मैं फेसबुक में एक पोस्ट देख रहा था जो काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है, जीप कंपास वाली, जिनमें उनके एक जो कस्टमर है उन्होंने कंप्लेन अपने फेसबुक प्रोफाइल में डाली है कि चलते चलते गाड़ी का ड्राइव शाफ्ट टूट गया और गाड़ी सिर्फ 3 घंटे पुरानी, यानी कि 3 घंटे से वो चला के ला रहे थे डिलीवरी के बाद। और यार वो इंसिडेंट बहुत बड़ा था, उनमें उनकी जान जाते जाते बची है। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके मैंने वो गाड़ी को रोका है। तो पहली चीज, ऐसी इतनी बड़ी एमएनसी से, इतने अच्छे ब्रांड से हम ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और मैं उनके कमेंट्स रीड कर रहा था, उस पोस्ट के कमेंट रीड कर रहा था, कई लोग राय दे रहे हैं कंज्यूमर कोर्ट में जाओ इस टाइप से, कई कह रहे हैं कि नई गाड़ी का रिप्लेसमेंट मांगो। और लेकिन एक कमेंट देख के मेरा दिमाग खराब हो गया, जो कि उन्हीं का था। उसमें उन्होंने लिखा था कि यार जीप की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है और वो कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं। तो यार क्यों नहीं होंगे तैयार वो, क्यों नहीं होंगे? और वो आपको नई गाड़ी भी दे देंगे, आपको नई गाड़ी दे देंगे और कुछ पैसे दे देंगे और मामले को रफा दफा कर देंगे। लेकिन आप मुझे बताओ यार, क्या आपकी जान की कीमत एक नई गाड़ी है? क्या आप सही सलामत रहते तो क्या जीप कंपास जैसी और 3, 4, 10 गाड़ियां खड़ी नहीं कर सकते थे? चलो छोड़ो, उनका पर्सनल मैटर है, वो कुछ भी करे, लेकिन मैं उनकी जगह होता तो क्या करता, मैं आपको यहां पर बताता हूं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट कुछ इस तरीके से हो, आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप खराब हो जाए, नई गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं, आपका गाड़ी का इंजन स्टार्ट ना हो, गाड़ी में से ऑयल लीक हो रहा हो, गाड़ी का कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम नहीं कर रहा हो, दरवाजों से आवाज आ रही हो, ये सब चीजें साइड में हटा दो। गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, गाड़ी की ड्राइव शाफ्ट टूट जाए, गाड़ी का व्हील्स निकल जाए, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं, इसमें आपकी जान जा सकती है, बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न है। और जो विक्टिम है वो इस चीज से कंपनी को बहुत अच्छा सबक सिखा सकता है। जो कंपनी आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसमें आपकी जान नहीं, आपके परिवार की जान भी शामिल थी, आपके साथ जो गाड़ी में बैठे थे उसकी जान भी शामिल थी, और सड़क में जो और लोग चल रहे, और गाड़ियां चल रही हैं, उन लोगों की जान पे भी बन सकती थी इस गाड़ी की वजह से। मैं होता चुप नहीं बैठता, मैं कंपनी के ऊपर केस करता, वो भी हाई कोर्ट में जाके या फिर किसी बड़ी अदालत में जाके केस करता कि इस गाड़ी से मेरी जान जाते जाते बची, इस गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे थे उनकी जान जाते जाते बची, और जो लोग में रोड चल रहे थे, जो रोड में गाड़ियां चल रही थी, उन लोगों की जान जाते जाते बची। मेंटल हरेसमेंट, प्रॉब्लम, सफर, पेन, तरह तरह के केस मैं लगाता उस कंपनी के ऊपर। और इस गाड़ी से भारतीय लोगों को, आम लोगों को, गाड़ी के ग्राहकों को, और जो गाड़ी लेने की सोच रहे हैं उन लोगों को, उन सभी की जान को खतरा है। इस गाड़ी का प्रोडक्शन सेल तुरंत रोक देना चाहिए, जब तक कि कंपनी इसका रूट कॉज निकाल कर, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर और पब्लिक को नोट नहीं दे देती, तब तक ये केस जनहित याचिका के तौर पर फाइल हो सकता था। मैं जीप के हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करता और उस कंट्री में केस फाइल करता जीप के अगेंस्ट, और मुझे पता है कि 100% जो केस है मेरे फेवर में जाता, क्योंकि मैं विक्टिम है और मेरी जान जाते जाते बची है। और ये जो सेफ्टी कंसर्न है, इससे कस्टमर की सीधे साधे मौत भी हो सकती है। तब पता चलता जीप को, और तब पता चलता कि यार कंपनसेशन क्या होता, जब हजारों करोड़ों में उनको देने पड़ते ना, गवर्नमेंट को अलग देने पड़ते, विक्टिम को अलग देने पड़ते, और साथ में ही अपनी क्वालिटी भी सुधारते। लेकिन हम इंडियंस को अपनी जान की परवाह नहीं है बिल्कुल भी, और परवाह क्या, हमें कीमत भी नहीं मालूम है अपनी जान की, जो कि प्राइस लेस है यार। ये कंपनसेशन से कुछ नहीं होने वाला, जो अभी बिना केस फाइल केस किए जो जीप दे रही है ना, वो कंपनसेशन कुछ नहीं है। इसके साथ लेसन भी होना चाहिए जीप के। अब आप सोच रहे होंगे यार ये लालची है साला, ये लालच इसके साथ हुआ होता तो ये पैसे हटता कंपनी से। लेकिन ये केस किसी बाहर, किसी दूसरी कंट्री में हुआ होता ना, जो पेनल्टी सुनते आप सुन के चकरा जाते, जो कंपनी के ऊपर लगती ऐसे केसेस पे, यार 20-25 लाख रुपए देके अपनी मौत थोड़ी खरीद रहा हूं यार मैं। लेकिन ये बात यहां पर एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि हम इंडियंस तो 1000 रुपए का एक हेलमेट नहीं खरीद सकते, उनको जान की क्या परवाह रहेगी अपनी, और क्या जान की कीमत मालूम होगी। हमारे बच्चे तो भगवान की देन है, ऊपर वाले की देन है, हम मर भी जाएंगे तो वो अपने आप पल जाएंगे, जिसके ऊपर से लिखी होती है, जिसको जमीन में रह के खाना होता है वो खा ही लेता है, ये मेंटेलिटी है हमारी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ यार, आप लोग क्या करते, लीगल एक्शन लेते कंपनी के ऊपर, या फिर कंपनी जो आपको लालच देती दूसरी नई गाड़ी देने का, या उसके साथ 1-2 करोड़ रुपए देने का, वो लेके चुपचाप घर पे बैठ जाते? तो कमेंट में बताना जरूर, लाइक और डिसलाइक जो
जो भी करोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे जो दिल की बात थी वो मैंने बोल दी है। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।